Hit that subscribe button and bell icon so you never miss an update from Neela Bakore Tutorials. इस वीडियो में हम गैशियस एक्सचेंज स्टडी करेंगे जो दो जगह पर होता है. वन इज लंग्स पर जहां एल्वियोलाय और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होगा, और सेकंड इज ब्लड और टिश्यू के बीच में जहां ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू में सप्लाई होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू में बना है वो वापस ब्लड में जाएगा. सो दो जगह पर एक्सचेंज होगा. और इस प्रोसेस को समझने के लिए यहां हम बात कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के, एंड रेस्पिरेटरी गैसेस में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो सपोज ये हम एक एल्वियोलस बनाते हैं, एंड टू एक्सप्लेन कि हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम कर रही है सो दैट सारी वैल्यूज और प्रोसेस क्लियरली समझ में आ जाए. दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम जो हमें पूरी प्रोसेस समझने में हेल्प करेगा. ये जो स्क्वेरिश स्ट्रक्चर है ये सर्कुलेशन शो करेगा, एंड यहां पर हम टिश्यूज बना रहे हैं. सो दो जगह पर एक्सचेंज होगा, इसको हम कहेंगे एट लंग लेवल, और यहां पर हम कहेंगे एट टिश्यू लेवल. जो गैशियस एक्सचेंज है वो हमेशा ऑस्मोसिस से होता है. एक्सचेंज इज बाय सॉरी डिफ्यूजन से. गैशियस एक्सचेंज हमेशा डिफ्यूजन से होगा, और डिफ्यूजन होता है गैसेस का फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर. सिंपल डिफ्यूजन है हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर एरिया में. अब व्हाट एग्जैक्टली ये पार्शियल प्रेशर क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस टर्म, पार्शियल प्रेशर होता क्या है. एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक गैस जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा उसको हम कहेंगे उस गैस का पार्शियल प्रेशर. सो अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो उसको हम लिखेंगे PO2, और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं तो उसको हम लिखेंगे PCO2. सो दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इस तरह हम लिखते हैं, इसकी वैल्यूज होती हैं. अब जब हम ब्रीद करते हैं द फ्रेश एयर एंटर्स लंग्स, एल्वियोलाय तक फ्रेश एयर पहुंच गई. अब फ्रेश एयर है मतलब इसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है, और इसको हम कहेंगे एल्वियोलर एयर जो हमारे एल्वियोलाय तक गई है. यहां पर PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104, ये एटमॉस्फेयर से कम है. एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और ज्यादा है, बट हमारे लंग्स में हमेशा कुछ एयर रहती है. सो जब अंदर वाली एयर जिसमें CO2 ज्यादा है ऑक्सीजन कम है, और जो बाहर से हमने इनहेल की वो जब मिक्स होती है तो ये पार्शियल प्रेशर हमें मिलेगा PO2 का 104, ये पार्शियल प्रेशर है. और यहीं पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का यहां रहेगा 40 के आसपास. अभी हम देखेंगे कि ये वैल्यूज कैसे चेंज हो रही है. अब जो ब्लड एल्वियोलाय तक गया है इसका मतलब यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वियोलाय तक गया है लंग्स में. यहां पर डीऑक्सीजनेटेड है मतलब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा या पार्शियल प्रेशर कम होगा, और यहां पर एक्सचेंज होना चाहिए. एक्सचेंज के बाद जो ब्लड आएगा वो है ऑक्सीजनेटेड. अब ब्लड वेसल का नाम लिख लेते हैं. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में कौन लेकर जाएगा, ये ब्लड वेसल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है लंग्स में, इज पल्मोनरी आर्टरी. ये एक ही आर्टरी है एक्सेप्शन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेकर आएंगे पल्मोनरी वेन्स. ये भी एक एक्सेप्शन है
ओनली वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है, ओनली आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है, और यहां पर हम हार्ट के चेंबर्स भी बना देते हैं, दो चेंबर्स यहां पर और दो चेंबर्स यहां पर, नाम अभी हम देंगे। अब यहां पर डिफ्यूजन होना चाहिए, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर PO2 कम रहेगा, वो होता है 40, और PCO2 थोड़ा सा ज्यादा रहेगा जो 45 के आसपास है। अब हम इन दो एरियाज को कंपेयर करते हैं, जो एयर लंग्स में आई है और जो ब्लड एल्वियोलाई के पास तक गया है, इसको अगर हम और डिटेल में बनाएं, सो ये एल्वियोलस और ये कैपिलरी। सो यहां पर PO2 है 104 और PCO2 है 40, जो ब्लड यहां पर आया है उसके अंदर है PO2, ये हमने यहां लिखा 40, और PCO2 है 45। सो अब इस केस में क्या होगा, डिफ्यूजन हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर, मतलब ऑक्सीजन एल्वियोलर एयर से डिफ्यूज होगी इनटू ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड यहां, ये हम यहां लिख लेते हैं 104, और कार्बन डाइऑक्साइड है 40, तो यहां जो ब्लड आया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 45 है, तो हायर टू लोअर। सो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगी ब्लड से एल्वियोलर एयर में, और ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी एल्वियोलर एयर से हमारे ब्लड में। अब जब ऑक्सीजन यहां पर आया है तो यहां PO2 इंक्रीज होना चाहिए, यहां PO2 हो जाएगा 95, और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डिफ्यूज हो गया है तो PCO2 हो जाएगा 40। अब ये ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी वेन्स इसको लेकर आएंगी हार्ट में। पल्मोनरी वेन्स कहां ओपन होंगी, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी पूरी बॉडी के पार्ट्स को, इंक्लूडिंग ये टिश्यू। सो ये जो ब्लड वेसल है, दिस इज एओर्टा, या आर्टरीज हो सकते हैं, अलग अलग आर्टरीज हैं जो अलग अलग ऑर्गन्स को सप्लाई करेंगी, और जो ब्लड यहां पर आ रहा है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है मतलब PO2 हाई होगा, PO2 95 सेम जो यहां पर है, और PCO2 कम है, दैट इज 40। अब टिश्यू में क्या हो रहा है, टिश्यू में एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटी के लिए इसको चाहिए ऑक्सीजन, सो टिश्यूज ऑक्सीजन यूज करते जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते जाएंगे। सो टिश्यू में PO2 कम रहेगा बिकॉज उसने ऑक्सीजन यूज कर लिया है, यहां पर PO2 रहता है नॉर्मली 40, और PCO2 ज्यादा रहेगा बिकॉज रेस्पिरेशन में इसने ऑक्सीजन यूज किया है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, सो यहां पर PCO2 इज 45। अब फिर से एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन कहां से कहां, हायर PO2 से लोअर, यहां 40 है सो हायर 95 से लोअर पर, और कार्बन डाइऑक्साइड हायर टू लोअर, सो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाएगा, सो अगेन PO2 हो जाएगा कम बिकॉज ऑक्सीजन ब्लड में से डिफ्यूज हो गया है, सो PO2 हो गया 40, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर ब्लड में आ गया है तो PCO2 हो जाएगा 45। ये ब्लड फिर से डी ऑक्सीजनेटेड है, और जो ब्लड वेसल अब इसको हार्ट में लेकर जाएगी उसको हम कहेंगे वेना कावा। ये सुपीरियर वेना कावा हो सकती है, इंफीरियर वेना कावा हो सकती है, और ये वेना कावा एंटर करती है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल से, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी इसको फिर से लंग्स में लेकर जाएगी। सो ये पूरा सर्कुलेशन है, दो जगह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हुआ है, एक लंग्स पर, दूसरा टिश्यू पर, बट कंडीशन हायर पार्शियल प्रेशर उस पर्टिकुलर गैस का से लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ द सेम गैस। अगर हम फिर से ऑक्सीजन की बात करते हैं तो एल्वियोलस में 104 है
और यहां पर जो ब्लड आया था उसमें 40 ही है, सो फ्रॉम हायर टू लोअर ये डिफ्यूज हो गया, ऑक्सीजन अंदर आ गई ब्लड में, और जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में आया उस ब्लड को हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा। हार्ट के लेफ्ट साइड ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा, ऑरिकल्स रिसीव करेंगे, वेंट्रिकल पंप करेगा, वेंट्रिकल ने एओर्टा के थ्रू बॉडी में भेजा। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई रहेगा बिकॉज ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। अब टिश्यू में अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं, अगर टिश्यू बहुत एक्टिव है तो ऑक्सीजन इससे कम हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड इससे ज्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो टिश्यू कितना एक्टिव है। स्केलेटल मसल है फॉर एग्जाम्पल, और बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, तो हो सकता है ये वैल्यूज चेंज हो जाए, ऑक्सीजन कम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। अब टिश्यू में ऑक्सीजन आ गया, टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था फ्रॉम हायर टू लोअर ये वापस यहां चला गया, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब राइट साइड आया हार्ट के और फिर से लंग्स में। सो दो जगह पर एक्सचेंज हुआ, एक लंग लेवल पर और दूसरा टिश्यू लेवल पर, बट दोनों जगह पर जो एक्सचेंज है वो सिंपल डिफ्यूजन से है, और डिफ्यूजन में हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर पर मूवमेंट होगा। सो किस तरह से ट्रांसपोर्ट हुई वो हमने देख लिया था, दैट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जाता है प्लस कुछ डिजोल्व फॉर्म में जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तीन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हुआ, बाइकार्बोनेट आयंस हीमोग्लोबिन के साथ, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन एंड कार्बोनिक एसिड जिसको हमने कहा था डिजोल्व इन प्लाज्मा। बट ये जब डिफ्यूज हुआ था तो प्रोसेस सिर्फ डिफ्यूजन थी, या बिल्कुल पैसिव प्रोसेस है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर एरिया में। अब ट्रांसपोर्ट हो गया, किस फॉर्म में हुआ वो भी हमने देख लिया, और दो जगह पर एक्सचेंज भी हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज डिस्कस करेंगे।